हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो आपके कर्टेन वॉल होते हैं, जो आपके कर्टेन ग्लास होते हैं, उसकी थिकनेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक कर्टेन ग्लास ले लिया और एक मैंने नॉर्मल ले लिया यहाँ पे कर्टेन ग्लास, जिसके फ्रेमिंग नहीं है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब जो ये ग्लास की थिकनेस है, हम इसे कैसे इंक्रीज करेंगे? ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ग्लास को सिलेक्ट करूंगा। अब ऐसे ग्लास को सिलेक्ट नहीं करना, ऐसे ग्लास को सिलेक्ट करोगे तो एडिट टाइप पे जाके ग्लास की कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया, कर्सर लेके जाओ, टैब प्रेस करो, अब आप ग्लास को सिलेक्ट करो। अब आप एडिट टाइप पे जाओ और एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे आती है थिकनेस। अभी आपकी ग्लास की थिकनेस 1 इंचेस है, तो आप इस ग्लास की थिकनेस अब कर सकते हो 2 इंचेस। अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे अब आपकी ग्लास की थिकनेस 2 इंचेस की हो गई है। जितनी भी आप ग्लास की थिकनेस करना चाहते हो, 3 इंचेस करना करोगे, 3 इंचेस ग्लास की थिकनेस हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला ग्लास लगा है, अगर मैं इस ग्लास को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अब ये आप देखोगे ध्यान से, अगर ग्लास को, जब भी आप ग्लास को बनाते हो, अगर मैं टॉप व्यू से दिखाऊं आपको कि मान लो मैंने एक कर्टेन वॉल लिया, अब आप ग्लास को बना रहे हो और अगर आप अभी से ऊपर से देखते हो, मैंने फाइन डिटेल की, एक सेकंड, तो आप यहां पे देखोगे कि जो आपका ग्लास लगा है वो आगे की तरफ लगा है। ये मैं सेंटर में चाहता हूं। अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं आपको, तो जो आपका कर्टेन यहाँ पे ग्लास लगा है, इसको मैंने डिलीट किया, तो वो बेसिकली इस फ्रेम के सेंटर पे नहीं लगा होता। ये वाला पार्ट ज्यादा है, वो वाला कम है, कुछ ऑफसेट होता है जो हम ग्लास पे यहाँ पे लगाते हैं। अब मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, टैप प्रेस किया, एडिट टाइप पे गया, अब 1 इंच का ग्लास है, मैंने इसको मान लो 2 इंच का कर दिया सबसे पहले, तो अब 2 इंच मैंने किया, अप्लाई किया, तो आप देखोगे 2 इंच का हो गया यहाँ पे। बट अगर मैं इसे चाहता हूं सेंटर में आ जाए बिल्कुल आपका जो ग्लास है, ये वाला फ्रेम, तो यहाँ पे है ऑफसेट। मैं इस ऑफसेट को यहाँ पे कर देता हूँ 0, और अगर अब मैं अप्लाई करूंगा तो ये ग्लास आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ऐसे आप ग्लास की थिकनेस को चेंज कर सकते हो और ग्लास के ऑफसेट को चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मटेरियल को कैसे चेंज करते हैं, इस वीडियो में ग्लास का ऑफसेट और ग्लास के मटेरियल को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं आज। तो ये भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत जगह पे यहाँ पे इस चीज की जरूरत पड़ती है कि ग्लास को ऑफसेट सेंटर में चाहिए या थिकनेस मेरे को ग्लास की ज्यादा चाहिए, वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।